तो दोस्तों, पहले हम वो मोहली थाना जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ के प्रशासन से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि उस दिन का आप सीसीटीवी कैमरा निकालिए और पब्लिक के सामने रखिए ताकि पब्लिक देखे सुने कौन सही कौन गलत और कौन क्या किया है, ताकि आप लोगों से हम लोगों के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है पहले सीसीटीवी कैमरा पब्लिकों के सामने लाइए। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, जहाँ रहिए स्वस्थ मस्त रहिए। और दोस्तों, मैं एक वीडियो देखे हैं गोरखपुरिया भौजी का कि जो वो कह रही हैं कि हमारी रिया की तबीयत ख़राब हुई है। तो भाभी, इस टाइम ठंडी का मौसम है और बच्चों के ये देखिए चढ़ते ठंडी और उतरते दोनों में ही थोड़ी तबीयत डाउन होती है, तो आप उस चीज़ का टेंशन मत लीजिए और आप अपना ख्याल रखिए और अपना तबीयत पर ध्यान दीजिए। बच्चे सही हो जाएंगे, भैया हैं संभाल रहे हैं। और जो आपके ऊपर वीडियो बना रहा है गलत गलत, उन चट्टू पट्टू से हम लोग भी कह रहे हैं, कह रहा है कि नया नया सब्सक्राइबर उठा उठा कर सबको बनवा रही है वीडियो। तो पहले तो मैं ये रूप तारा ब्लॉग के कह रहे हैं कि पहला नंबर में तुम सुधर जाओ। और ये एक नचनिया है जो अयोध्या नगरी से है, तो तुम भी सुधर जाओ और अपना मुंह बंद कर लो। अब कितना तुम सही है कितना गलत है ये सब पब्लिक जानता है दोनों की, ज़्यादा नहीं कहेंगे ताकि सुबह के वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा ही वीडियो देखे थे तुम लोगों का, तो मैं ज़्यादा ही कुछ बोल दिए हैं। तो यही हम कहेंगे कि तुम लोग भी सुधर जाओ और कौन सही कौन गलत है पर हम लोगों के ये चीज़ शामिल करना है ताकि एक हमारी YouTube फैमिली है। अब और पहला बात बता रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बिहार से हैं तो अपने बिहार वाले के लड़े, नहीं, हमें कोई बिहार और यूपी में कोई फर्क नहीं आता है नज़र आ नहीं आएगा। जितने सम्मान पहले करते थे गोरखपुरिया भौजी का और हमारे राधा राज दीदी हैं जो बहुत उनसे हमारा करीबी दोस्ती है और करीबी हैं, उनसे 3-4 बार हम मिल चुके भी हैं। और ये गोलू भैया जो हैं उनको मैं नहीं जानती हूँ, तो इन लोगों के तीनों लोगों की कोई इसमें दोष नहीं है। पहले प्रशासन यही करे सीसीटीवी कैमरा निकाले और पब्लिक के बीच में रखे। और आज हम मालती चौहान के बाबूजी का वीडियो रात में देखे थे, आज नहीं रात में देखे थे कि जो मीडिया वाले हमारे भैया हैं जाके सवाल जवाब कर रहे हैं, तो वो खुद बोले हैं अपने मुंह से कबूले हैं कि हम गोरखपुरिया जब वहाँ पे वो मैटर हो रहा था तब वो एंट्री करी हैं। तो वो खुद अपना, हम लोग भी देखे हैं वीडियो में कि अपना शॉल उठा के उतार के उन सबको शरीर पर डाल रहे हैं। और लोग कह रहा है कि उन लोग बुलाए हैं, तो आप लोग खुद सुन लीजिए, एक मालती चौहान की बाबूजी ही बोल रहे हैं कि वो उन लोगों का इसमें कोई हाथ नहीं है, किन्नर लोग हमारे समाज के हैं और उन लोग आए थे एक निर्दोष की बातवन की एक निर्दोष के दोषी को क्या कह रहे थे मैं हाँ एक निर्दोष को बातवन की उन लोग आए थे बातवन की उनकी पापा की जो इसमें वो बात रखी गई थी, तो उनके सपोर्ट में आए थे कि चलो मालती को उन लोग अपना बातवन की दिलवा दें न्याय। तो उन लोग आए थे न्याय दिलवाने के लिए दोस्तों, और इसमें किसी का गलती नहीं है जो इतना लोग गुमराह कर रहे हैं। तो आप लोग प्लीज उल्टा पुल्टा वीडियो मत बनाइए बातवन की बच्चों के जेल में। और हाँ, पहला बात मैं यही प्रशासन से कहेंगे कि पहले तो आप उस लड़की को, इसमें कोई दोष नहीं था जिस लड़की के आप वीडियो उठा के सोशल मीडिया पे डाले हैं, आप लोग दिए नहीं तो फिर मीडिया वाला डाले कैसे? हाँ, तो आप लोग अपने गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं कि उस लड़की के उनकी माँ की गोरखपुरिया भौजी की इतनी वीडियो है, हर मोबाइल में उनकी वीडियो, उनकी वीडियो क्यों नहीं क्लिप पे लगाया गया, उस बच्चों को क्यों वीडियो क्लिप पे दिया गया? उस लड़की पढ़ रही है, वो स्कूल से आई तो रो रही थी अपने पापा के पास बैठ के कि हमको स्कूल में बच्चा ऐसे ऐसे कह रहे हैं। तो आप लोग क्यों नहीं
गोरखपुरिया भौजी का, उनके हस्बैंड का, या उनके घर में बहुत लोग हैं, क्यों नहीं उन लोगों के वीडियो क्लिप पे डाले? क्यों उस लड़की को, क्या उस लड़की का कसूर था, क्या गुनाह करी थी कि उस लड़की को आप लोग सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे थे? ठीक है, वो अपनी माँ के साथ वीडियो बना रही है, माँ के साथ कोई गलत नहीं वीडियो बना रही थी ना, मगर आप लोग क्यों ऐसे कर दिए ये तो आप ही लोग जानेंगे। और जो भी किए हैं सब अच्छा कर रहे हैं, और जितना पब्लिक है ना, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग कि इतना उल्टा सीधा वीडियो मत बनाइए, मत डालिए, ताकि उनको कुछ करना पड़ जाए, और इतना टॉर्चर मत करिए कि वो एक खुद अपने तबीयत से झेल रही हैं, दुख से झेल रही हैं, और आप लोग इतना वीडियो डाल के उनको बातों की फंसा रहे हो, गलत गलत वीडियो डाल रहे हो, तो प्लीज़ आप लोग ऐसे मत करिए। और दोस्तों, यदि हमसे कुछ गलत वर्ड निकला होगा तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर देना, ताकि मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना पाएंगे। मैं दुकान में हूँ, आप लोगों के आवाज़ भी आ रही है इधर उधर से, तो मैं उनका वीडियो देखे तो मुझे बहुत दया लगा कि वो कैसे रो रही हैं, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।